दोस्तों, कल हमने पर्यावरण सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर किया था। आज हम सब चैप्टर कर रहे हैं नंबर दो, जिसका नाम है जैव मंडल एवं बायोम, यानी कि बायोस्फीयर एंड बायोम। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण, जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, मिलकर जैव मंडल की रचना करते हैं। जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण, यानी कि जैविक संघटक और अजैविक संघटक को सम्मिलित किया जाता है। यह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जीवन पाया जाता हो, वहाँ पर जैविक और अजैविक संघटक मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। देखिए, जल मंडल जल हो गया, स्थल मंडल पृथ्वी, वायुमंडल हवा, ये मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल कहा जाने वाला भाग स्थल, जल तथा वायुमंडल, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, को मिलाकर बनता है, जिसके भीतर अनेक छोटे बड़े पारितंत्र कार्य करते हैं। जैव मंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी पर विस्तारित समस्त जीवन इसी मंडल में सीमित है। जैव मंडल के तीन प्रमुख उपविभाजन हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। अब यहाँ पारिस्थितिकीय संगठन दिखा रखे हैं। देखिए, व्यक्तिगत जब कोई एक जीव होता है, जनसंख्या जब सब इकट्ठे मिलते हैं, एक ही प्रकार के जीव, और समुदाय जब अलग अलग तरह के जीव आपस में एक जगह रहते हैं, उनको समुदाय कहते हैं। फिर उनसे पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण होता है, उसको हम बायोम कहते हैं, और फिर जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव मंडल में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। जैव मंडल में, बायोस्फीयर में, जब एनर्जी की ज़रूरत, कहाँ से एनर्जी की अपनी डिमांड पूरी करता है जैव मंडल, तो ये सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। सजीव जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक कहीं बाहर से नहीं, बल्कि यही जो हमारे आसपास है, वायु, जल और मृदा से ही निर्मित होते हैं, और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण, यानी कि रिसाइकलिंग होती रहती है, जिससे जीवन चलता है। जैव मंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीव समुद्र की सतह से 200 मीटर नीचे से लेकर समुद्र तल से 6000 फीट के ऊपर तक पाए जाते हैं। यहाँ इस चित्र में इन्होंने जैव मंडल की ओर बढ़ते हुए क्रम में अणु से शुरू करके बता रखा है। जैसे पहले अणु होता है सिंगल, फिर उससे मिलकर कोशिका बनती है, फिर कोशिका के समूह होते हैं, फिर उनसे बनता है जीव, फिर जब एक ही प्रकार के जीव हों उनसे बनती है जनसंख्या, समुदाय का निर्माण होता है जब विभिन्न जनसंख्या में अलग अलग प्रकार के जीव, या जो दिखा रखे हैं, जैसे सांप, बाज, भैंस, कुत्ता, घास इकट्ठे रहना शुरू करते हैं, तब समुदाय का निर्माण होता है एक निश्चित क्षेत्र में। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है जब समुदाय और उसके आसपास के निर्जीव घटक शामिल हो जाते हैं, जैसे बाज है, सांप है, कुत्ता, घास, हवा, चट्टान, मैदान, या जीव और निर्जीव एक साथ रह रहे हैं, इनको हम पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। फिर ये मिलकर बनाते हैं सभी परिस्थितिक तंत्रों का समूह। जब ये पारिस्थितिक तंत्र, ये तो हमने ले लिया एक जगह का, अब ये सभी जगह के समूह में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर कहते हैं। अब आगे देखिए, जैविक समुदाय यानी कि बायोटिक कम्युनिटी, विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या जब एक ही क्षेत्र में रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है, उसे जैविक समुदाय कहते हैं। ये एक एसोसिएशन है, यानी कि सहचर्य। हम यहाँ पर बायोम
अलग अलग तरह के जो हैं उनको देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ बायोम है, फिर उसका स्थान, बायोम की जलवायु कैसी है, बायोम की मृदा कैसी है, बायोम में कौन कौन सी वनस्पति है और बायोम में किस किस तरह के प्राणी रहते हैं, ये हम देखेंगे अलग अलग बायोम का। देखिए पहला बायोम है मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, ये मध्य अक्षांश पर मिलता है, स्थान मध्य अक्षांश। जलवायु अगर देखें डेजर्ट की तो यह सामान्यतः अत्यधिक गर्म दिन, ठंडी रातें, वर्षा एक वर्ष में 10 इंच से कम। अगर मृदा की बात करें डेजर्ट में तो पादम एवं अपघटक की कमी, लेकिन खनिज में समृद्ध होती है। हमने मृदा के बाद पादप पर आते हैं यानी कि वनस्पतियाँ। पादप विहीन से लेकर कैंकटाई, गुच्छेदार घास, झाड़ियाँ एवं कुछ पेड़ों तक ही सीमित रहती हैं। अगर प्राणियों की बात करें तो डेजर्ट में सांप, छिपकली, कीड़े, छोटे पक्षी, अफ्रीका का सहारा, मरुस्थलीय ऊँट, गजेल्स, एंटीलोप, छोटी लोमड़ी, सांप, छिपकली इत्यादि पाए जाते हैं। या हमने ये डेजर्ट बायोम के स्थान, जलवायु, मृदा, पादप, प्राणी को देखा। आगे दूसरा देखते हैं टुंड्रा बायोम। ये उच्च उत्तरी अक्षांश पर हैं, बहुत ठंडी, कठोर, लंबी शीत ऋतु, छोटी एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु, ये यहाँ की जलवायु है। अगर यहाँ की मृदा की बात करें तो पोषण स्तर कम होता है, कुछ इंच नीचे परमाफ्रोस्ट स्तर का पाया जाना टुंड्रा के लिए महत्वपूर्ण है। यह पादप यानी कि वनस्पति देखें तो घास, जंगली फूल, मॉस, छोटे शॉक। अगर प्राणियों की बात करें तो मस्क, ऑक्सेन, प्रवासी कैरिबू, अब हम नेक्स्ट यानी कि घासथल ग्रास लैंड बायोम को देखते हैं। इनका स्थान है मध्य अक्षांश महाद्वीपों के आंतरिक भाग। अगर ऋतु की बात करें तो यहाँ शीत ऋतु में ठंडा, ग्रीष्म ऋतु में गर्म, एक वर्ष में 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अगर मृदा की बात करें तो ग्रासलैंड में उच्च पोषक तत्व युक्त ऊपरी मृदा पाई जाती है। पादपों की बात करें तो ज़्यादातर घास एवं छोटे शाक, कुछ पेड़ जल स्रोतों के नज़दीक मिलते हैं। अगर ग्रासलैंड में प्राणियों की स्थिति देखी जाए तो अमेरिकी घास के मैदान में प्रेरी कुत्ते, लोमड़ी, छोटे स्तनधारी, सांप, कीड़े, कई प्रकार के पक्षी, अफ्रीका के घास के मैदान में हाथी, शेर, जेबरा, जिराफ आदि मिलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ डेसीडस फॉरेस्ट यानी कि पर्णपाती वन देखते हैं। इनका स्थान है मध्य अक्षांश। अगर यहाँ जलवायु की बात की जाए तो सापेक्षिक रूप से सौम्य ग्रीष्म ऋतु एवं ठंडी शीत ऋतु, एक वर्ष में 76 से 127 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर मृदा डेसीडस फॉरेस्ट में हम पढ़ें तो ये पोषक तत्व युक्त मिट्टी होती है। यहाँ पादप यानी कि वनस्पति देखते हैं पर्णपाती वन में, यहाँ कठोर लकड़ी जैसे कि ओक, बीजेज, हिकोरीज, मेपल्स आदि पाई जाती है। डेसीडस फॉरेस्ट यानी कि पर्णपाती वन में प्राणी यानी कि एनिमल्स देखें, भेड़िया, हिरण, भालू एवं छोटे स्तनधारी की कई प्रजातियां, पक्षी, उभयचर, सांप एवं कीड़े। नेक्स्ट आते हैं हम टेगा पर। टेगा का स्थान मध्य से उच्च अक्षांश पर है। यहाँ जलवायु की बात करें तो अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु, गर्म एवं आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा। अगर मृदा की बात करें तो ये टेगा में अम्लीय
मृदा होती है, खनिज पदार्थ की कमी होती है। वनस्पति ज़्यादातर स्प्रूस, फर एवं दूसरे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं टेगा बायोम में। एनिमल्स में यानी कि प्राणियों में रोडेंट्स, लिनक्स, कैरिबू, भालू, भेड़िया, स्नोसू हेयर आदि टेगा बायोम में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये विषुवत वृत्त के नज़दीक पाए जाते हैं, जैसे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये जैव मंडल के लिए यानी कि विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बायोम है। इनका स्थान है विषुवत वृत्त के नज़दीक और यहाँ जलवायु की बात करें तो पूरे वर्ष यहाँ गर्मी रहती है, एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यानी कि वर्षा की अधिकता रहती है। वनस्पतियों में मृदा में पोषक तत्वों की कमी रहती है। वनस्पतियों में यह जैव मंडल का सबसे विविधता वाला प्रदेश यानी कि जगह होती है। ऑर्किड, फर्न एवं पेड़ों की कई प्रजातियाँ विविधता मिलती हैं। अगर प्राणियों की बात की जाए तो किसी और जगह की अपेक्षा कीड़ों, सरीसृप एवं उभयचर प्रजातियों की बहुलता होती है। बंदर, दूसरे छोटे एवं बड़े स्तनधारी, कुछ जगहों पर हाथी एवं सभी प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। पर्यावरण सब्जेक्ट का ये हमने किया चैप्टर नंबर 2। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम।